हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज है मंगलवार, तारीख 28 मार्च 2023 और बस देखो ब्रेकफास्ट हो गया, तो चलो मम्मी के पास चलते हैं। तो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बधाई ने, केम छो बधाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा आज? नहीं पढ़ा, कल थोड़ी तबीयत खराब थी, आज थोड़ा अच्छा है। ओके, तो अभी पढ़ूंगी। ओके, क्या हो गया था कल? कल थोड़ा है ना, तबीयत खराब थी, सर्दी खांसी हो गई थी। ओके, अभी आज अच्छा है? हाँ आज अच्छा है, थोड़ी थोड़ी खाली खांसी है बस। ओके ओके, बड़े नाश्ता हो गया? ओ, नाश्ता कर दिया, परोठा चाय। परोठा चाय, सही। आचार, गुजरातियों का आचार? हाँ सब आचार, थोड़ा बढ़िया बढ़िया। किचन में क्या चल रहा है देखते है सुबह सुबह। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। नाश्ता करने बैठे हो? नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा, हो गया सुबह का टिफिन वगैरह काम? हो गया, सब हो गया। ओके बढ़िया, लास्ट में खाना खाने बैठे। ओके ओके ओके, अभी बज गए हैं, अभी 15 मिनट आगे है घड़ी, तो 9:10 हो गए। बहुत बढ़िया। और आचार कौन कौन से? बहुत बढ़िया, अभी बोल रहे थे मम्मी की बहुत अलग अलग आचार आए। ये गुजरातियों का आचार दिखाता हूँ कौन कौन से होते हैं। ये वाला है, ये कौन सा है? गुंदा केरी। ओके, ये है अकेली केरी, आम का अचार। ओके, ये है छुंदा, जो थेपला के साथ लेते हैं बाप जब बाहर जाते तब। ओके, ये चना मेथी का है, और ये मिक्स है जो मेरा फेवरेट, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मैं लेता हूँ वो ही वाला। और बाकी ये चना मेथी वगैरह है वो तो दोपहर में दाल भात वगैरह करते घर पे, तो वो उसके लिए लेता हूँ। ओके हेलो फ्रेंड्स, तो आज थोड़ा मैं बिजी था, पूरे दिन वर्क भी था, थोड़ा काम भी था बाहर, तो अभी आ गया हूँ घर पे, तो बस अभी जस्ट खाना खाया। चलो मैं चलता हूँ किचन में, क्या बनाया था मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो आज बनाया था भाखरी, गुजरातियों की फेवरेट, साथ में था सब्जी, कौन सी थी? गलका की सब्जी थी, और साथ में खिचड़ी थी, यही था, और साथ में चाय। तो यही था आज का खाने के लिए शाम को, एकदम सिंपल देसी भोजन। एक अपडेट देना चाहता हूँ, आज ही मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंक अपडेट करने के लिए डेट एक्सटेंड हो चुकी है, जो है अभी 30 जून 2023, मतलब 3 महीने और एक्सटेंड हो गए, तो अभी आप करवा सकते हो, तब तक कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। और हाँ, और हमारा एक्टिवा था वो भी थोड़ा अभी उसमें आवाज़ आ रही थी, तो मैंने दिखाया, तो इंजन का वर्क करने के लिए बोल रहे हैं मैकेनिक, तो मैंने सोचा कि चलो अभी चेंज ही कर लेता हूँ। तो गया था मैं, अभी ईवी पे मूव होने की सोच रहे हैं कि ईवी व्हीकल अभी चल रहा है ज़्यादा, तो गया था, एक एथर का शोरूम है जो हमारे नज़दीक ही है घर के। हाँ, तो ईवी व्हीकल के लिए गया था एथर के शोरूम में, तो मैंने उधर कोटेशन वगैरह निकाला उधर, तो कुछ 156 में पड़ रहा है, और कुछ सब्सिडी उसमें है 20,000, तो और कुछ डिस्काउंट है उनका मार्च का, तो अराउंड 126 का आथर का पड़ रहा है, 3 इयर्स की वारंटी है। तो अगर वो आपको मतलब फाइनेंस कराना तो वो भी हो सकता है, केस भी हो सकता है, और मेरा पुराना एक्टिव वो भी एक्सचेंज कर सकते हैं वो लोग। लेकिन अभी सोचा कि चलो अभी 1 साल के लिए अभी एक्सटेंड कर ले, उसके बाद ही लेंगे, क्योंकि अभी इतना खर्चा है नहीं एक्टिवा में, और नीचे ही हमारा मैकेनिक है तो वो कर देंगे, तो अभी इतना कुछ करवाना नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम सोचेंगे कि ईवी पे मूव होंगे। बस ऐसा ही है आज, तो और कुछ खास नहीं है, तो चलो इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय। बस आज के लिए बस इतना ही, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।